दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बेहतरीन यूट्यूब मोबाइल के लिए दो बेहतरीन ट्रिक्स। पहली ट्रिक्स है व्हाट्सएप के लिए। व्हाट्सएप पे आप जब भी कोई मैसेज सेव करते हैं, किसी को मैसेज भेजना है तो पहले उसका नंबर अपने कॉन्टैक्ट में सेव करो, फिर उसे मैसेज भेजो, फिर उस कॉन्टैक्ट को रिमूव करो, डिलीट करो। पर हमारे पास ऐसी टेक्निक है कि आप बिना किसी का नंबर सेव किए भी उसे मैसेज भेज सकते हैं। वेरी सिंपल टेक्निक। तो हम आपको लेकर चलते हैं अपने मोबाइल पर और दिखाते हैं वो टेक्निक। आपको क्या करना है गाइस, आपको जैसे व्हाट्सएप पे आपके बहुत सारे कंटेंट्स पड़े हैं और आप उसमें गए और आप उन सभी को मैसेज भेज सकते हैं सिंपली सेव। मगर अभी अब मेरे को किसी को नए पर्सन को मैसेज भेजना है तो मुझे वो सेव करना पड़ेगा, मगर उसके सेव किए बिना भी मैं उसे मैसेज भेज सकता हूँ। उसके लिए आपको क्या टेक्निक करनी है, गूगल क्रोम ओपन करना है। आपके गूगल क्रोम में जो वेबसाइट खुलती है वहाँ पे आपको टाइप करना है wa.me/91, देन उसका पर्सन का नंबर जिसको आप मैसेज भेजना चाहते हैं। तो जैसे मैं अपना ही दूसरा नंबर डाल रहा हूँ, जैसे हम इसे करेंगे, इस पर क्लिक करना है तो एक वेबसाइट ओपन होगी और वहाँ पे कहेगा कि आप इस नंबर से चैट करना चाहते हैं तो कंटिन्यू चैट, और ये आपके व्हाट्सएप ग्रुप में पहुंचा देगा और आप इसको टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं बिना सेव किए भी। तो है ना बेहतरीन टेक्निक, हम इसे मैसेज भेज सकते हैं और ये नंबर मैंने सेव भी नहीं किया। तो ये एक यूजफुल टेक्निक थी इस काम को करने के लिए। तो बेहतरीन टेक्निक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इसी तरह एक दूसरी टेक्निक भी आपको बताने जा रहे हैं। आप प्ले स्टोर में जाएँ, अपने फ़ोन में एक ऐप डाल लीजिए जिस ऐप का नाम है वाईफाई एयर। ये बहुत ही अच्छी टेक्निक और ट्रिक्स है। वाईफाई एयर, ये जो एयर ऐप है, इसको अगर आप अपने मोबाइल में डाल तो एक बेहतरीन काम होगा। वो बेहतरीन काम क्या है वो आपको दिखा दें हम। इस ऐप को डालने दीजिए, इस ऐप का थोड़ा सा वर्किंग आपको दिखा देते हैं। बहुत ही बेहतरीन ऐप है। इस ऐप को जैसे आप स्टार्ट करेंगे तो आपसे पूछेगा कि आप वाईफाई के सिग्नल स्ट्रेंथ को देखना चाहते हैं या अपने 5G के। तो हम वाईफाई के सिग्नल स्ट्रेंथ को यहाँ देखना चाह रहे हैं। तो ये मेरा वाईफाई है मेरे रूम में। आप अपने घर पर इसको लेकर घूम सकते हैं मोबाइल को और दिखा सकते हैं, बट इसको क्या चाहिए, आपकी लोकेशन वाली फैसिलिटी चाहिए, वो हम इसको दे देते हैं। तो देखिए मेरे वाईफाई नेटवर्क का नाम आ गया है स्क्रीन पर और वाईफाई को मैं मोबाइल को घुमा सकता हूँ अपने इस जगह पे और लोकेशन वाइज ये ट्रैक कर लेगा। और ये बता रहा है कि मेरी जो सिग्नल स्ट्रेंथ है वो -43 dBm है। तो ये काफ़ी अच्छा सिग्नल स्ट्रेंथ है। इसके बाद MCS चेक कर सकते हैं, मेगाबाइट प्रति सेकंड क्या ट्रांसफर रेट आ रहा है। 390 MBPS की स्पीड चल रही है इस समय हमारे इस मोबाइल नेटवर्क में। देन अगर पिंग की बात करें तो 75 ms, 115 ms, थोड़ा पिंग ज़्यादा 21 ms। 100 से नीचे अगर ms आ रहे हैं माइक्रोसेकंड पे आपका कनेक्शन बन रहा है, दैट्स मीन्स आप गुड कनेक्शन पे काम कर रहे हैं। अगला है जी AP नॉइस, तो ये भी दिखा नहीं रहा। इसके बाद है वाईफाई बैंड इज क्लीन एंड बेस्ट AP। अगर आपके घर पर काफ़ी सारे AP लगे हुए हैं या किसी आप ऑफिशियल नेटवर्क में हैं वहाँ कई सारे AP लगे हुए हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं। यानी कि इस ऐप के जरिए आप ये चेक कर सकते हैं कि आपका वाईफाई सिग्नल कैसा है, स्ट्रॉन्ग है कितना है, MS कितने आ रहे हैं, MCS मेगाबाइट प्रति सेकंड कितना है और सिग्नल स्ट्रेंथ कितना है। तो एक बेहतरीन ऐप है, इस ऐप का इस्तेमाल आप लोग कीजिए और बड़ा ही यूजफुल ऐप है। और इसी ऐप में अगर आप दूसरा मोड लेंगे, इसी तरह अगर आप मोबाइल नेटवर्क को भी चेक करना चाहते हैं तो 5G LTE यूज़ कीजिए और स्टार्ट कर दीजिए। अब ये मोबाइल के सिग्नल को बताएगा, परंतु पहले ये वाईफाई को डिसेबल कर देगा। अभी इसने मेरे वाईफाई नेटवर्क को डिसेबल करने की कमांड दी, मैंने वाईफाई नेटवर्क डिसेबल कर दिया और ये मोबाइल डेटा ऑन किया इसने। अब ये मोबाइल डेटा से बता रहा है कि जियो से जो सिग्नल मुझे आ रहा है वो -79 dBm आ रहा है मेरे घर पे अभी। तो पिंग की बात करें तो 214 MS का पिंग आ रहा है मोबाइल नेटवर्क से हमें, जो ये देखिए दिखा भी रहा है रेड में, जो गुड नहीं है। अगर अच्छा सिग्नल होगा तो ग्रीन में दिखाई देगा, अगर प्रॉब्लम होगी तो रेड में दिखाई देगा। और इसके बाद सेल इंडेक्स की बात करें तो सेल इंडेक्स ग्रीन में आया जियो 4G का। ASU की बात करें तो 61 नंबर है, ग्रीन में है, ये भी अच्छा है। पिंग की बात करें तो पिंग का जो ms है वो गलत आ रहा है, काफ़ी हाई आ रहा है। और सिग्नल की बात करें तो -dBm है। तो इस तरह से इस ऐप के जरिए आप अपने मोबाइल का और आप अपने वाईफाई नेटवर्क का डिटेल्स को चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं कि वो कितना अच्छा है और कितना पुराना है या उसमें कोई प्रॉब्लम है। ये कुछ परमिशंस मांग रहा है 5G का, और मैं इसको परमिशन दे देता हूँ। ओके, ये लोकेशन परमिशन को अलाउ करने के लिए कह रहा है, इसकी जरूरत नहीं है ज़्यादा परमिशन देने की ऐप को, मगर फिर भी देख सकते हैं ये हमें मोटी मोटी इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो ये बहुत ही बेहतरीन ऐप है, इसको आप अपने मोबाइल में डालिए और यूज़ कीजिए।